शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं, लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ, जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं, जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे किले चाहिए, अपने पास बड़े किले? अच्छा छोटे किले नहीं है। हेलो, देखो छोटे किले नहीं है, बड़े केले चलेंगे? हैं, चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं, अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं, हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर है, लाइन पर हो भाई। उफ सेठ जी, हाँ तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ? हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता हूँ। सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अब साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तूने बोला? सॉरी, पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है, अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे रेणुका तू है क्या? लाइन पर है, लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं, हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ, लाइन पर रहो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पर रहना, बताता हूँ। रामचंद, लाइन पर रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया, बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने हैं, दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा है अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो, साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हुई। बेहोश हुई तेरी माँ, बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में? नहीं। गिर गर्दन घाट? गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ।
उसमें बड़ा बड़ा मतलब तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले कभी इधर चले कभी उधर चले और दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मांझे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं क्यों क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना वो तीन दिन बाद पहुंचता है और अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल फिर ये नीचे था गाड़ी ये मैं छोड़ा नहीं जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था धगा धगा रोक नहीं सकता था बर्फ थी ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घटकन पेड़ खाई में गिरा भटकन फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका ये किनारे पे ऐसा बैलेंस ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उदरिच उधर ने तीन चार दिन बाद में आके दिया। आके घर पे दिया पीठ पे थपथपाया बोला तू अंशु तू अंशुमान नहीं तू हनुमान है। हाँ हाँ वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं 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 मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं 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 फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं फेंक रहा फेंक रहा नहीं 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 चल यकीन नहीं है ना चल साइकिल घुमा चल जाके किसी और को ढूंढ ले चल एक मिनट अरे चल अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए आप चलिए आप चलिए ए गाड़ी घुमा ये बोला था दिखाएगा हाथी निकली चीटी चीटी लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे चाबी दो चाबी दो ये लीजिए। दाहिने हाथ से दो ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे मालूम है कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई मुझे किसको कितना देना है कितना लेना सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ और एक बार ये रोड पे गड़ाकर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा आपके पैसे आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे जल्दी दे जल्दी दे। ये लो आप भी ठीक करके देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए मां कर तो अंडा चिया ये चालू हो जाएगा ना सपट हो जाएगा पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में हट ले हट। किधर जाने का पत्ता बोल पत्ता बोल। तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना सब लोग चल के आएंगे सिर्फ मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो बंद क्यों हुआ? चल अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो कहां से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है पनौती उतर उतर नीचे उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो
अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। तो रोलर को खांदे बोलो लास्ट के मामले लेके जाओ। रोलर ला खांदे और के होंदा के रे माला भी जतरा लगे। बंद कर, करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है भाऊ। हां जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। अरे उधर आके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ, सब तैयार है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, संभाल के। सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ, करे चलाने को क्या होता तेरे को? सेठ जी, किधर है लड़का? अबे वापस ले जा, हार दिखता नहीं, अंडा है क्या? ये हराम को किसको लेके सड़क साफ मजदूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में ले ले, चल बाद में दूंगा, चल। आराम से, आराम से। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश कम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी, सर जी घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। ए चुप रे, चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। मर गया। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूं, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी। उस जमाने में 1,00,000 रुपया दिया था इस तस्वीर का हमने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देखिए क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ, देखना कोई देख तो नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना। कांच के हाथ से साफ करूँ? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या हुआ? इसने रंग
फेंक कर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली। हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे, इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी, रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो रस्म के लिए। ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चर है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? मुंसबाड़ी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल चल। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन चोर? मैं चोर नहीं, पागल है क्या? मैं देख रहा था सब कुछ बराबर है कि नहीं घर में। सब बहाने तो मुझे नहीं, बाबूजी को सुनाना। पिछले 3 दिनों से तुम बाबूजी से छुप रहे हो। कौन छुप रहा है? मैं नहीं बिल्कुल छुप रहा। मैं जब भी आता हूँ रात को तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं, और जब सुबह काम पे जाता हूँ तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे या नहीं बाबूजी? अच्छा अच्छा, मैं चलो मैं आता हूँ। बेचारे बाबूजी ने मुझसे वादा किया था कि इस महीने की पेंशन से मुझे चूड़ीदार खरीद के देंगे। तुमने वो पैसे भी उनसे मांग लिए, बोला एक दिन में वापस लौटा दूंगा। पैसे भी गए और चूड़ीदार भी। तुम चलो बाबूजी के पास। चलो बाबूजी, ये रहा आपका मेंढक जो बारिश के बाद छुप गया था। चश्मा उतार क्यों दिया, लगा के रख। अपने बाबूजी को भी तो देखने दे कैसा लग रहा है। लगा। वाह खूब, ये छाता, ये बस्ता, ये चश्मा, क्या ये सब? सड़क के जोशी की तरह वो एक तोता और खरीद लो, सड़क पर बैठ जाओ, जितना कमाते उससे ज्यादा कमाओगे। ये बोल के कि तू मुझे 1 घंटे बाद पैसे लौटा देगा, तू पैसे लेकर गया, 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। वो जो म्युनिसिपैलिटी, वो जो चेक है, वो पैसे भी गए। लेकिन आप मुझे निकम्मा मत समझिए, आज नहीं तो कल ये सचिन टिचकुले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के दिखाएगा, और बाबूजी उसके लिए मैंने सारी चलाकियां सीख ली हैं। तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्शी हैं। पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी, अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का कंस्ट्रक्शन, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का ट्रक, ये सारी चीजें घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगह तक नहीं होगी बाबूजी, पता है आपको? तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। 2 टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे, लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। लेकिन बाबूजी, एक दिन आपको मुझे पे गर्व होगा। निकल यहां से। धोती तो छोड़ दे। अब और क्या? वो 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ये भूतनी का नहीं सुधरने वाला। We'll be right back.
बिल्कुल वो देखते हैं कि